तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, जय श्री राम। क्योंकि अभी देखिए पीछे माहौल कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश आने वाली है और सूर्य अस्त हो गया है। और मैं लेके आई हूँ 3 मेहंदी के कोण, क्योंकि कल जा रही है कविता अपने मायके। हाँ, और 5 रुपए की एक कुम्पी लाई थी और 5 रुपए की खाने की चीजें। मैं अभी कुवैत सिटी में हूँ, 5 महीने बाद मेरी शादी है, मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। अच्छा, तो मेहंदी के लिए हमारे पास बुकिंग आ रही है। मैंने खुद में हंसी आ रही थी, फालतू सी मेहंदी लगे रुपये खातर। नहीं भाई, फालतू नहीं थी, 2 घंटे मेहनत करी थी उस काम फालतू चला मेहंदी के लिए उसी भी। काम चला उसी, फिर भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप देखिए, आपके कमेंट पढ़ के हमें कितनी खुशी होती है और हम कितनी शिद्दत से उसको पढ़ते हैं। तो आप कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए। सारे घर वाले अलग अलग पढ़ते हैं। हाँ, सब अपने अपने फोन में कितनी बार पढ़ते हैं, आप देख लो। तो ये मेहंदी के कौन लेके आई हूँ, क्योंकि ये जा रही है कल गाँव। अभी एक कंपटीशन और होगा जिसमें दीदी एक ही पार्टिसिपेट करेगी। नहीं, उसमें पार्टिसिपेट क्या करना है, क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं घर पे हूँ, ये जा रही है, लेकिन मैं जाऊंगी तब मेरे कौन लगाएगा? किन्नू जिंदाबाद। मैं लगाऊंगी, वो जाती है सबसे सुंदर। हाँ, इस बार इसी के लगाई हुई मेहंदी ले जाऊंगी। मैं तो कविता को बोल रही हूँ कि 2 दिन और रुक जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं, इसको गांव जाने की जल्दी हो रही है अभी। सही भी है, काफी टाइम हो गया इसको आए हुए। तो मैंने कविता को बोला कि कल तो तू चली जाएगी, कम से कम आज आज और हमें खाना बना के खिला दे। तो मैं तो आटा लगा रही हूँ और कविता बना रही है सब्जी। सब्जी बना रही है, अभी सब्जी इसने काट ली है। तू भुजिया क्या हम खावे, बस रोटी कौन खावे है? देखिए तो क्या लेर बैठ गए, रोटी कौन खावे तो? तो अभी हमने खाना खा लिया है और फ्री होके अभी हम लगाएंगे कविता के मेहंदी। तो आज मेहंदी मैं लगा रही हूँ, तो चारों हाथों के पैरों के क्यों, अपन ऐसे भी तो लगा सकते हैं जैसे आपने अपने पैरों पे मैं पैरों पे लगाऊं, तब तक आप अपने एक हाथ पे लगा लो। क्यों तो देखते हैं, मेरे से जितनी लगेगी उतनी मैं लगा दूंगी, क्योंकि रोटी खूब खाई हुई है बैठा हुआ तो। मुझसे भी जितनी लगाई लगाऊंगी। अच्छा, तो लगाई मामी जी पूछ देर को लगवाई के लगा अतिन का मानते ही हर चीज तो मान दावे बड़ो आते मेरे। हाँ, मान दे मान दे। किन्नू भी लगा रही है अपनी मामी जी की मेहंदी, क्योंकि मैं इतनी देर तक लगाऊं तो कविता इतनी देर नहीं बैठ सकती। तो किन्नू अपनी मामी की मेहंदी लगा रही है। रेस चल रही है, सबसे सुंदर कौन बने? अच्छा, सबसे सुंदर की रेस हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। बेटी टक्कर दे रही है थाने। ले टक्कर दे रही है, देख ले। माँ बेटी में कॉम्पिटिशन हो रहे है तो। और ये मैं लगा रही हूँ। अब आप बताना कि किन्नू की अच्छी है कि मेरी अच्छी है? नहीं है नहीं किन्नू, पक्का बताना है कि? फिर आ रही जगह क्या करी, आइसक्रीम खुआएगी? दिल बना के भी वहां के लिखे है ऐसे, और लिख लिख लग रही है बिंदी सी लगाई अगर ऐसे। कितनी मान ली किन्नू? ई मान ली किन्नू ने, इतनी मेहंदी लगा ली पर बीच बीच में खाली जगह रह गई। तो कविता ने आइडिया दिया है कि कवि ये खाली जगह में ABCD मांड, तो ये नान दी लग गई ABCD मांड ने। सावल कुंपी चला ले गेरी तो जोर लगा ले, जोर लगा थोड़ो, चूरमु खा रही तो जोर लगा। हाँ, आज यार चूरमे को तो असर दिखा। और ये मैंने लगाई है, भरवा हाथ लग रहा है, तो देखते हैं कैसी लगती है। मेरे लिखिए देखे हैं, मैं जीती हूँ, मैं जीती हूँ, तू जीती के देखा लगा जीती जकन आइसक्रीम मिली।
आओ आइसक्रीम ले आनेगी। किन्नू ने पूरी मेहंदी लगा दी है और इसके अंदर आप पूरी एबीसीडी ढूंढ लेना वीडियो को रोक के कि पूरी लगी है कि नहीं। और अभी पैरवा हाँ अभी पैरवा भी लगा रही है और ये मैंने आगे का हाथ लगा दिया है पूरा। ये देखिए आप बाई को वाली मेहंदी में बोल रहे थे कि भरवा नहीं है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो आज देखो फुल भरवा मेहंदी लगाई है और काफी बड़ा हाथ है कविता का। काफी बड़ा है मेहंदी बनने स्वाद जदी ऐसी तो बाई का छोटा छोटा हाथ है। हाँ अब पीछे भी लगाऊंगी मैं, तो पीछे थोड़ी बहुत लगाऊंगी फूल वूल लगाऊंगी बस। भाई के वीडियो पे एक कमेंट आया था कि कल परसों मतलब कुछ दिन पहले आपके नानी का स्वर्गवास हुआ है फिर भी आप मेहंदी लगा रहे हो। तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब कोई का स्वर्गवास होता है तो बहन बेटियों को बहुओं को उन उनके मायके लेके जाते हैं, फिर उनको नए कपड़े पहनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं ताकि वो उसके बाद में नए कपड़े पहन सके। नए कपड़े पहनने के लिए हमें या फिर मेहंदी लगाने के लिए आने वाले त्योहार का वेट नहीं करते हैं, त्योहार मनाते नहीं है एक त्योहार, लेकिन उससे पहले मेहंदी जरूर लगाते हैं। हमारे घर में जितनी भी बुआ भाई मिलने आए हैं सबको मेहंदी लगा के विदा किए हैं, तो इसलिए मेहंदी लगाना वो जरूरी है। और आज भी मैं मेहंदी इसलिए लगा रही हूँ ये ससुराल जा रही है और पहला सावन है, तो पहले श्रावण में वो एक है शगुन कि आप मेहंदी लगा के उनको भेजो, तो इसलिए मेहंदी लगा रहे हैं। मायके बोलो ससुराल बोलो, देखो दोबारा रिपीट करो होती बात। बस तो ये मैंने मेहंदी लगाई है, डिजाइन तो मैंने फोन में देखी थी लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने लगाई भी अच्छी है। अभी पैरवा लगानी बाकी है। फाइनली मैंने मेहंदी लगा दी है, पैरों के नहीं लगाई है क्योंकि बहुत टाइम हो गए। कल देखो आप कैसे हो रही। फाइनली लगा दी, थैंक गॉड लगा दी। तो ये देखिए आप दोनों हाथों के, एक हाथ के आगे मैंने लगाई है पास में करो, और एक के किन्होंने लगाई है, और अब पीछे करो, पीछों के पीछे दोनों के मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं पीछे वाली दिखेगी ज़्यादा कितनी प्यारी लग रही है। मैंने दासू जदियां करे करे दासू गाँव में बड़ से सन हेलो हाय। पीछे के हाथ से हेलो हाय होंगे अब। नहीं नहीं किन्नू वाले हाथ से करना वो समझ ही नहीं पाएंगे ये मेहंदी में लिखा क्या है इन्होंने, कौन सी भाषा लिखी है। फिर भी अच्छी कोशिश की है, दिल भी बना दिया, दिल में मामी जी का नाम भी लिख दिया, ये देखो मामी मामा जी दोनों का सबके नाम लिख दिए, एबीसीडी लिख दी, ट्रेन निसरनी सब बना दिए। जी को भी दिमाग में आया उन्हें सारा कुछ मेरा हाथ पे उतार दियो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब, आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं और कविता दोनों ही अपने अपने टाइम पे उठे हैं और साथ में सो रहे थे उसके कमरे में। अभी हमने चाय दूध सब पी लिया और मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, दो रूम की मैंने निकाल ली, बाकी मैं झाड़ू निकालूंगी और कविता लगाएगी पोछा, उसके बाद हमें भी कुछ ज़्यादा काम करना है इसलिए फटाफट कर रहे हैं। तो अभी दोपहर में हम खा रहे हैं खाना और मम्मी पहले सबको मतलब परोस रही है, उसके बाद मम्मी खाएगी और पापा और कविता के पापा साथ में खाना खा रहे हैं, मैं और कविता साथ में खाना खा रहे हैं और किन्नू अकेली और मम्मी भी अकेली। तो फाइनली कविता हो गई है तैयार अपने गांव जाने के लिए और पापा और इसके पापा दोनों के पापा ही डांट लगा रहे हैं कि कितना टाइम लगा दिया। तो ये देखिए मैंने साड़ी बांध दिया कविता की, कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लगती है और वैसे भी सभी व्यूअर को भी आप कविता की साड़ी अच्छी लगती है। आप
मम्मी भी आ रही है कविता को बुलाने, डांट पड़ेगी हमें। मैं क्या करूं, मैं तो जल्दी फ्री करी सही टाइम लगायो, मैं तो कॉल लगायो चार्जर थन दे दियो गल लियो थे ए चल टेची टा चल उधर आ गया गए सगो जी ने लो मारू के सुन ले जाओ आजो आजो क्या क्या करना पड़ता है भाभियों के लिए पापा बैग ले लो बैग बैग हो गया मैं तो बैग ले गए गाड़ी में बैठ गए सब आ जाओ पापा स्टार्ट कर ली गेट ही खोल दियो हाँ तू के पूछी जाई ढक्की से आओ के इलाज है Oh, what is it?